वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज के साथ में इंटर्नशिप की बात कर लेंगे, जो इंटर्नशिप 2023 बैच के लिए ढूंढ रहे हैं तो अभी से तैयार हो, क्योंकि अभी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे इंटर्नशिप्स। तो चलते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ। जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी अपनी है आज, वो है अडोबी की तरफ से, अडोबी करियर्स देख सकते हैं। तो ये ढूंढ रहे सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, ये मतलब फुल टाइम रोल के लिए बैंगलोर में है। और आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए और रिएक्ट जेएस और पाइथन डेवलपर, तो बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क नहीं मांगे, बस ये स्किल्स चाहिए। बाकी जब आप अप्लाई करेंगे आपको तब क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि तब कुछ टेस्ट वेस्ट आते हैं वो आप देख लेना, अलग से सीन होते हैं, ठीक है। बट फिलहाल यही मेंशन है। और हाँ, एज सच इस वाले में ओपन जब हायरिंग होती है उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस मैटर्स करता है, तो एक्सपीरियंस का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे एज सच देख सकते हो कुछ भी और मैंशन नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये है गोल्डमैन सैक की तरफ से। गोल्डमैन सैक कर रहा है अभी प्रोग्राम, ठीक है। तो 2022 बैच के लिए दोबारा से अपॉर्चुनिटी, ग्रेजुएशन फुल टाइम आप हायर कर रहे हैं, और 2022 के लिए समर इंटर्नशिप 2022 में होगी, बट वो बैच 2023 के लिए होगी। जो 2022 में दो चीज़ें होगी, फुल टाइम हायरिंग होगी और एक होगी इंटर्नशिप हायरिंग 2023 बैच के लिए। 2022 के लिए फुल टाइम हायरिंग है, देख सकते हो। और नीचे दे रखा है प्रोग्राम के, आपको डेडलाइंस यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ होगा। इंटरव्यूज 4th वीक होंगे, टेस्ट 5th में होगा, टेक्निकल एप्टीट्यूड जनवरी 9 को हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ डिटेल्स दे रखी है। और हाँ, प्लीज़ जिन लोगों ने पिछली बार मतलब लिंक्स नहीं आए थे वो ध्यान बढ़ लेना। और हाँ, अगर पूरा टैकी स्टैक चाहिए कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें पढ़े, चैनल पे एक वीडियो पढ़ा, आप देख सकते हैं गाइड का, ठीक है। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो अपनी है वो है LNT की तरफ से, लार्सन एंड टुब्रो बोलते हैं। तो ये देख लीजिए, पैकेज भी दे रखा है यहाँ पे, 4.5 लाख से 6 लाख का पैकेज होगा, मुंबई में होगा। और 0 से 1 के एक्सपीरियंस 2021 बैच के लिए और 2020 बैच के लिए अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। फिलहाल तो कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ चाहिए आपको ये चीज़ें चाहिए, डेटा एनालिटिक्स साइंस के लिए आप फुल टाइम हो, आपको पता हो कि क्या क्या होने, बट रोल जो है वो डेटा एनालिस्ट रोल है वो बता देता हूँ, अप्लाई ना कर लेना। की स्किल्स देख लेना, साफ पावर भी है, डेटा एनालिसिस है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो है डेटा साइंस के रिलेटेड, वो है सिस्को हायर कर रहा है डेटा साइंस एनालिस्ट न्यू ग्रेजुएट। तो ये 2022 बैच के लिए जो सिर्फ डेटा साइंस करते हैं, पाइथन से बड़े खतरनाक मॉडल बना रखे हैं उन लोगों ने, मजा आया था देखे बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं यहाँ पे, डेटा इंजीनियरिंग डेटा साइंस हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे दे रखा है कुछ चीज़ें, आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस क्या हो, कितने साल एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पे 2 साल पीछे चले जाएँ, मतलब 2021 2022, तो उनके लिए भी बहुत सही अपॉर्चुनिटी 2020 बैच के लिए। और कुछ चीज़ें यहाँ पे जो होती हैं बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए होती हैं, जो डिजायर्ड स्किल्स होती हैं कि पाइथन तो आए आपको, बट आर पाइथन के साथ कुछ चीज़ें लार्ज डेटा सेट पे आपको कैसे काम करना, उनसे कैसे आउटपुट और इनसाइट्स देखने, वो चीज़ भी डिपेंड करती है, वो भी आपको आना चाहिए। तो पूरा देख लेना, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो है न्यूरोस्टार की तरफ से, वो भी है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, फुल टाइम है। तो आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा कि मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल्स करने होते हैं, सबका सेम ही प्रोसेस रहता है, तो वहाँ भी यही रहेगा, बस हाथ थोड़ा लैंग्वेज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जावा और सीक्वल की बात कर रहे हैं। स्टेलर एकेडमिक बैकग्राउंड हो, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, अच्छे से प्रोग्रामिंग आती है, साथ में एडिशनल अच्छा है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी पता हो, AWS वगैरह, ठीक है। पैकेज मेंशन नहीं है। बैच की बात करूँ, 2022 बैच नहीं अप्लाई कर सकता अभी इसमें, 2021 बैच अप्लाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस का पंगा पड़ जाएगा फिर। तो उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो है साइमंस की तरफ से। तो साइमन हायर कर रहा है BTEC BE ऑफ कैंपस फ्रेशर। तो ये है इंटरनल सर्विसेज, तो पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ग्रेजुएट इंडियन ट्रेनिंग स्टूडेंट टेक्निकल के लिए हायर कर रहा है। तो मतलब कि ये पूरा जो ट्रेनिंग इंजीनियर होंगे उनसे हायर करने के लिए, पोजिशन के लिए हायर कर रहे हैं। और देख लेना आप कुछ लैंग्वेज दे रखें कि इनमें सब कुछ कुछ आता हो, टेक्नोलॉजीज वेरी करती हैं, बट वही रहता है कि C++ या पाइथन जावा किसके साथ भी आ जाए आपको आपको पता हो। और साथ में एक चीज़ देखना, यू मस्ट हैव क्वालिफिकेशन BTEC कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम्स ओनली, और कोई ब्रांच चलेगी, सिर्फ ये ब्रांच एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो इसके साथ ये रही आज की अपॉर्चुनिटी, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, फुल टाइम अब रोल फिर बता दूँ आपको, कर लेना और दूसरा शेयर प्लीज़ कर देना। हाँ, अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक करो, दूसरा शेयर भी करो। बाय बाय।